الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. یہ سورہ یونس کی 61 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور اے نبی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور ایک حالت یہ ہے کہ قرآن کا جو حصہ بھی پڑھتے ہو یا آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہو اور اے لوگوں جو کام بھی تم کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو یا جس وقت تم اس کام کا کرنا شروع کرتے ہو ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں اور تمہارے رب سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی چھپی ہوئی نہیں ہے نہ تو زمین میں نہ تو آسمان میں اور نہ تو اس ذرے سے چھوٹی نہ اس ذرے سے بڑی چیز مگر وہ کھلی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سن لو اللہ کے جو ولی ہیں دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہتے ہیں. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اور
उनके लिए दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं हैं, यही वो बहुत बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअ हुवस समीउल अलीम। उन काफिरों की बनाई हुई बातों की वजह से तुमको गम न हो, यकीन रखो कि इज्जत तो सब की सब अल्लाह ताला ही के लिए है। वही अल्लाह ताला हर बात को सुनने वाले, हर चीज को जानने वाले हैं। अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ض व मा यत्तबिउ अल्लदीन यदउन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिउन इल्ला ज़न व इन्हुम इल्ला यखरसून। सुन लो कि आसमानों में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ताला ही का है। जो लोग अल्लाह ताला के सिवा अपने मुकर्रर किए हुए शरीकों को, बुतों को पुकारते हैं, वो किस चीज की इत्तिबा कर रहे हैं, यानी शिर्क पर उनके पास कोई दलील नहीं है। वो लोग तो बेहकीकत ख्याल ही पर चल रहे हैं और वो लोग तो सिर्फ अटकले ही दूरा दौड़ाते हैं या नरा झूठ बोलते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि आपका कुरान पढ़ना वो भी हम सुनते हैं और हम जानते हैं। बाज मरतबा ये काफिर लोग ये शक करते थे, तोहमत लगाते थे कि कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नबी जो कुरान पढ़ के सुनाते हैं वो हम सुनते हैं, वो हमारे यहां से आया हुआ है। एक आयत भी नबी अपनी तरफ से इधर उधर नहीं करते। जैसे कोई बच्चा किताब चौपड़ी बुक पढ़ रहा हो और कोई बड़े टीचर सामने बैठे हो, उस्ताद बैठे हो, वो कहवे कि बच्चा जो पढ़ रहा है मैं सुन रहा हूं, मैं उसको कोई भूल नहीं करने देता हूं, जो भूल करे मैं सुधार लेता हूं, तो उस बच्चे की पढ़ी हुई हर बात सही होगी, ठीक होगी, इसलिए कि सामने बड़े उस्ताद बड़े टीचर बैठे हुए जो उसकी हर बात सुन रहे, जो वो भूल करेगा फौरन टोकेंगे, रोकेंगे, सुधार देंगे। तो अल्लाह ताला से बड़ा कौन हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे नबी जो कुरान पढ़ के तुमको सुनाते हैं तो हम नबी का कुरान सुनते हैं, हमारे सामने है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम इंसान जो काम भी करते हैं, जो अमल भी करते हैं, अल्लाह ताला हर चीज को अपनी नजर से देखते हैं। कोई भी चीज छोटी बड़ी अल्लाह की नजर से नहीं छुप सकती। सब चीज अल्लाह ताला ने अपने यहां एक तकदीर की किताब है उसमें लिख ली है। उस तकदीर की किताब का नाम है लोहे महफूज। लोग कहते हैं स्लेट को और महफूज कहते हैं सिक्योर को, यानी जो हिफाजत की जगह पर हो, सलामत हो, कोई उसमें छेड़छाड़ न कर सकता हो, कोई उसमें इधर उधर न कर सकता हो,
اللہ کے یہاں ایک کتاب ہے ساتوں آسمان سے بھی اوپر، جنت سے بھی اوپر، جہنم سے بھی اوپر، اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اس میں ہر انسان کی، ہر جانور کی، ہر مخلوق کی، ہر تقدیر اللہ نے وہاں لکھ کر کے رکھی ہے، اور اسی کے مطابق دنیا کے اندر ساری چیزیں چلتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں ہے۔ یہ کل تین آیت ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، آیت نمبر 62، 63 اور 64۔ پہلی بات سمجھو کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ میرے ولی کون، اولیاء اللہ کون۔ پہلی نشانی کہ جو اللہ پر ایمان رکھے وہ اللہ کا ولی، جس کا ایمان اللہ کے اوپر نہ ہو وہ کبھی اللہ کا ولی اولیاء اللہ میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، خود اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے وہ میرا ولی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، سب کے سامنے ہو تو بھی ڈرے، اکیلے میں بیٹھے ہو، پرائیوینسی ہو، تنہائی ہو، ایکانت ہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرے، ہر جگہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تیسری بات، جو حرام سے بچے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو حرام کام کرے وہ کبھی اللہ کا ولی اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کو یاد کرو تو وہ ولی یاد آ جائے۔ جن کو دیکھو، جن کے سامنے جاؤ تو اللہ یاد آ جاوے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بغیر کسی غرض کے تعلق رکھتے ہو، کہ بھائی کوئی کاروبار کی غرض نہیں، کوئی چیز دینی لینی نہیں، بس اللہ کے لیے ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بغیر غرض کے، بغیر مطلب کے ان کے ساتھ لوگ تعلق رکھے۔ پانچویں نشانی، زیادہ تر لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہو کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ یہ پانچ بڑی بڑی نشانی اللہ کے ولی کو پہچاننے کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ولی ہونا تو قیامت تک چالو رہے گا دنیا میں۔ اس دنیا میں ہر زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں۔ تو آدمی اللہ کا ولی کیسے بنے؟ تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نفل عبادت کرتا ہے، معلوم ہوا کہ فرض اور واجب کام تو ہر ایک مسلمان کو کرنے ہیں۔ پانچ نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، مالدار پر حج فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو فرض تو ہر ایک کو کرنا، واجب بھی ہر ایک کو کرنا، جیسے ابھی وتر واجب کی نماز پڑھی۔ لیکن اس کے علاوہ جو نفل عبادت ہے، سنت موقعدہ ہے، سنت غیر موقعدہ ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاش کی نماز ہے، اور بھی بہت ساری نفل عبادت ہے۔ تو کہا بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔
अल्लाह के नजदीक पहुंचना हो तो नफिल इबादत करो तो आदमी अल्लाह के नजदीक पहुंच जाएगा। फिर आगे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा नफिल इबादत करते करते अल्लाह के इतने नजदीक पहुंच जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूं और वो जो सुनता है मुझसे सुनता है, यानी वो जो बात भी सुनेगा अल्लाह की खुशी वाली सुनेगा, गुनाह वाली बात नहीं सुनेगा, गाने नहीं सुनेगा, गीबत नहीं सुनेगा, गंदी बातें नहीं सुनेगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूं, आंख बन जाता हूं, हर चीज वो मेरे जरिए से देखता है। फिर वो जी चीज भी देखेगा अल्लाह की खुशी से देखेगा, जिस चीज से अल्लाह नाराज होते हैं ऐसी चीज वो कभी नहीं देखेगा। और मैं उसके पैर बन जाता हूं, वो हर काम के लिए चलता है अल्लाह की खुशी के मुताबिक चलता है। तो अल्लाह का वली बनने के लिए सबसे ज्यादा नफिल काम करो, फर्ज और वाजिब तो हर मुसलमान को करना है, लेकिन नफिल इबादत, जितनी नफिल इबादत करेगा इंसान इतना ज्यादा अल्लाह का वली बनता चला जाएगा। दूसरा तरीका वली बनने का, जिंदगी का हर काम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करे, उसका खाना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, कपड़े पहनना सुन्नत के मुताबिक, उसका चेहरा सुन्नत के मुताबिक, हर काम जिंदगी का प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो तो आदमी बहुत जल्दी अल्लाह का वली बन जाता है। तीसरा तरीका वली बनने का, किसी से भी मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और नाराज होता है नफरत करता है तो भी अल्लाह के लिए करता है। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, नफरत भी अल्लाह के लिए। तो जो आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह को राजी करने के लिए किसी से गुस्सा करे तो आदमी बहुत जल्दी अल्लाह का वली बन जाता है। और बड़ी बात समझो कि शरीयत और दीन के ऊपर अमल करने से आदमी अल्लाह का वली बनता है। बाकी कोई आदमी शरीयत पर अमल न करे, दीन पर अमल न करे और वो सोचे कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं तो वो कभी अल्लाह का वली बन सकता नहीं है। असल चीजें हैं कुरान, हदीस पाक, अल्लाह के नबी की सुन्नत, गुनाह से बचना, नेक काम करना, जिक्र करना, इसके जरिए से आदमी अल्लाह का वली बनता है। और आप जानते हैं ना कि एक आदमी ने डिग्री ले ली डॉक्टरी की तो उससे वो डॉक्टर नहीं बन जाता, किसी अनुभवी तजुर्बाकार डॉक्टर के पास प्रैक्टिस के लिए रहना पड़ेगा तो उसको प्रैक्टिकल भी आएगा। बाकी खाली चौपड़ियां पढ़ लेने से, थियरी पढ़ लेने से कोई आदमी डॉक्टर नहीं बन जाता। इसी तरह अल्लाह का वली बनना हो तो जो अल्लाह के वली है उनके साथ आदमी को रहना पड़ेगा तो आदमी अल्लाह का वली बनता है। तो वली बनने के लिए अल्लाह के वली के साथ रहना, अल्लाह के वली के साथ जिंदगी गुजारना ये बहुत जरूरी है, तब जाकर के इंसान अल्लाह का वली बनता है। और इस दुनिया में सबसे बड़े वली हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर नबी वली है, हर रसूल वली है,
نبی سے بڑھ کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑے ولی اولیاء اللہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے حضور سب سے بڑے ولی ہوئے. اس کے بعد نمبر آئے گا صحابہ کرام کا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا, ایمان کے ساتھ اپنی آنکھ سے جنہوں نے حضور کو دیکھا, حضور کا زمانہ پایا, حضور کی زندگی پائی, حضور کی مجلس میں آئے, وہ اللہ کے بہت بڑے ولی, ان کو صحابہ کرام کہہ لے گا. تو صحابہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, اور تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پھر حضرت عمر فاروق کا, تو یہ سب سے بڑے ولی ہوئے. حضرت عثمان, حضرت علی, نبیوں کے بعد سب سے بڑے ولی اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق, ان کے برابر کوئی بڑا ولی نہیں ہو سکتا. اور ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ ولی ہونے کا دروازہ بند ہو گیا, نبی ہونے کا دروازہ بند ہو گیا. آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, پھر حضور کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, ایک پرانے نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو نبی آنا بند ہو گئے, لیکن ولی آنا چالو ہے. ولی اللہ بناتے ہی رہیں گے, ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو ولی ہے کا جو آدمی ان کے ساتھ رہے تو ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ ان کو بھی اپنا ولی بنا دیتے ہیں. دیکھو نا, ایک کتا 309 سال تک اللہ کے ولی کے ساتھ رہا, وہ کتا بھی اللہ کا ولی بن گیا. سورہ کہف کی جب تفسیر ہوئی تھی, کئی سال ہو گئے, تو اس میں کتے کا واقعہ قصہ آیا تھا, بھول گئے ہو تو سی ڈی او میں موجود ہے, سن لینا. کا ایک کتا 309 برس تک اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پر پڑا رہا. سات اللہ کے ولی ایک گفا میں تھے, تو ایک کتا ان کے گفا کے دروازے کے اوپر پیر پھیلا کے بیٹھ گیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ایک کتا 309 برس اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پہ رہا, کل قیامت کے دن اللہ اس کتے کو انسان بنائیں گے اور انسان کی شکل میں وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. تو اللہ کے ولی کے ساتھ رہنے سے کتا ولی بن جاتا ہو, تو انسان اگر اللہ کا ولی کوئی ڈھونڈ لے اور ولی کے ساتھ رہے تو اللہ اس کو بھی ولی بنا دیں گے, اس کو بھی اولیاء اللہ میں اللہ اس کو شامل کر دیں گے. اور دیکھو, ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ کے ولی کے ساتھ رہو, بس اتنا کافی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ولی کے ساتھ رہے سچی نیت سے, کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں, اور عمل اس کا ولی جیسا نہ ہوئے. اولیاء اللہ کا عمل تو بہت بڑا ہوتا ہے, ان کا ذکر, ان کی تلاوت, ان کی تسبیح, ان کا نیک کام کرنا بہت اونچا ہوتا ہے. کہ ہم تو کمزور ہیں, ہم اتنے اعمال کر نہیں سکتے. تو کہا جو آدمی اللہ کے ولی کے ساتھ رہے, سچی نیت کے ساتھ رہے, چاہے اولیاء اللہ جیسے اعمال نہ کرے, تو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि कयामत के दिन वो उस वली के साथ होगा, अल्लाह उसको उस वली के साथ रखेंगे, उसके मकाम में रखेंगे, उसके मर्तबे में रखेंगे, उसके दर्जे के अंदर रखेंगे। इसीलिए सही सच्ची नीयत के साथ कोई अल्लाह के वली के साथ रहे तो भी अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन वो मकाम और मर्तबा अता करेगा। एक बात और नौजवान बच्चों को सुना दो, औलिया अल्लाह ने ये लिखी हुई बात है कि जो शुरू जवानी की जो उम्र है, पहले कहते थे 17 से लेकर 22 की उम्र, अब मैं कहता हूं उसमें थोड़ा बदल करके 13 से लेकर 23 की उम्र, 10 साल जिसने अपनी जवानी की हिफाजत कर ली, अल्लाह ताला उसको वली बना करके मौत अता करेंगे। वली बन के वो मरेगा, 10 साल अपनी जवानी की हिफाजत कर ले, आउटलाइन से, गलत काम से, गुनाह के काम से, हराम काम से, बुरे काम से, अल्लाह उसको वली होकर के मौत अता करेंगे। और अल्लाह ताला ने एक दूसरे की कंपनी में रहे, साथ रहे, संगात रहे, सत्संग में रहे, तो उसका असर तो होता ही होता है। वो सफेद सफेद कपूर की गोली होती है ना, सफेद रंग की, उसको कपड़े में रखते हैं, कबाट में रखते हैं, तो उसकी वजह से उसकी खुशबू कपड़े में आती है, सफेद गोली आती है वो कपूर की। हालांकि कपड़ा भी निर्जीव है और गोली भी निर्जीव है, दोनों में जान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक निर्जीव चीज, बगैर जान की चीज दूसरी निर्जीव चीज के साथ रहे तो उसमें उसकी खुशबू का असर आ जावे, तो इंसान तो जिंदा है, उसमें जिंदगी है। अगर वो किसी अल्लाह के वली के साथ रहेगा तो वली की खुशबू उसकी जिंदगी में भी आएगी और अल्लाह उसको भी वली वाला रंग अता करेंगे। और अवलिया अल्लाह को मिलेगा क्या, तो आगे आयत में अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए दुनिया में भी कोई टेंशन नहीं है और आखिरत के अंदर भी कोई गम और टेंशन नहीं है। अल्लाह के वलियों को दुनिया के अंदर क्या होता है, किसी का थोड़ा सा अपने कारोबार का, घर का, बिजनेस का नुकसान हो जावे तो आदमी टेंशन में आ जाता है, और अवलिया अल्लाह का मामला ऐसा है कि सारी उनकी दौलत चली जावे तो भी कोई पड़ी नहीं होती है। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, उसमें क्या टेंशन लेने का। और खुद खुदा ने फरमाया अल्लदीन इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई भी मुसीबत आवे, दौलत को आग लग गई, अल्लाह हिफाजत में रखे, दुकान ठप हो गई, बिजनेस उड़ गया, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, इसमें टेंशन का ही का, भूखे तो नहीं मरते हैं ना, रोटी तो अल्लाह खिला रहे हैं ना दो वक्त पर, नंगे तो नहीं फिर रहे हैं ना अल्लाह कपड़े पहना रहे हैं, रोड पर तो नहीं आ गए ना अल्लाह घर में रखते हैं ना, और क्या चाहिए आदमी को, खाना दो वक्त का मिल जाए हलाल का, कपड़े पहनने के मिल जाए, रहने का घर में मिल जाए, सब दिया है अल्लाह ने। लेकिन आज टेंशन लोगों को कई का है, बस इतना तो चाहिए ही चाहिए और वो नहीं मिलता तो कहता है कि बहुत ठप बिजनेस चल रहा है, तो मैं पूछता हूं भूखे मर रहे हो, मनी क्राइसिस चल रही है, धंधा नहीं चल रहा है, भूखे मर रहे हो, नंगे हो गए, कपड़े बिगैर के हो गए, घर चला गया, रोड पे आके बैठ गए, ऐसा तो कुछ नहीं है, माशाल्लाह खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, सवारी है, मकान है, हर चीज है, फिर ये फरियाद काई गई कि बहुत तकलीफ में, बहुत टेंशन में, ये है अल्लाह के वली कि दुनिया का कोई नुकसान होता है तो उसकी वजह से उनको कोई टेंशन नहीं आता,
अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, कल फिर अल्लाह दे देंगे। देने में भी देर नहीं लगती, लेने में भी देर नहीं लगती, फिर देने में भी देर नहीं लगती। इसलिए अल्लाह के वलियों को दुनिया की चीज गई चली गई, नुकसान हो गया, कोई टेंशन नहीं, ला खौफुन अलैहिम। और कब्र में और कयामत के दिन अल्लाह के वलियों को कोई टेंशन नहीं होगा, और अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएंगे। दुनिया में भी खुशखबरी मिलेगी कि लोग उनके लिए अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, अच्छी बात करते हैं, इज्जत इकराम करते हैं, और जब मौत का वक्त आएगा तो अल्लाह का फरिश्ता आकर कहेगा, ये अल्लाह के वली चल, अल्लाह ने तुझे सलाम कहलवाया, चल अल्लाह तुझे बुला रहे हैं। तो कहा उस वक्त उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि उसको अगर अल्लाह ताला यूं कहे कि चल तुझे हम जिंदगी देते हैं, जो चाहे वो देते हैं, तू दुनिया में रहे या आखिरत में तुझे आना है, तो कहता है अल्लाह आप मेरी मर्जी की हर चीज दो, दुनिया सारी दो, तो भी मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे तो अब आपके पास आना है। जब फरिश्ता आकर के उनको कहता है कि चल अल्लाह ने तुझे सलाम कहा, खुदा तुझे बुला रहे, तो वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि सारी दुनिया की दौलत भी मिलती हो तो वो कहेगा कि मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे अल्लाह के दरबार में जाना है। उनको आखिरत में भी कोई गम नहीं, खुशी खुशी, कब्र उनकी मजेदार, कयामत मजेदार, जन्नत उनकी मजेदार, कैसी खुशी वाली उनकी जिंदगी। अल्लाह मुझे आपको सबको अपना वली बना देगा। तो बाज लोग डरते हैं कि वली बन जाएंगे तो ये मौज मजे वाली जिंदगी छोड़ देनी पड़ेगी, और अभी जो हम आवारा है, आजाद है, फ्री लाइफ है, वो सब छोड़ देना पड़ेगा, इसलिए वो वली बनने की दुआ नहीं करते। तो मैं यूं पूछता हूं कि वली बनने के बाद जो मजा है ना, वो अभी मजा कभी नहीं हो सकता। जो मजा अल्लाह ने अभी दिया है वो मजा हजारों गुना ज्यादा मिल जाए तो भी वली बनने के बाद जो मजा है ना, उस मजा के बराबर नहीं हो सकता। सही मजा तो ये है कि अल्लाह दिल का सुकून देवे, चैन देवे, इत्मीनान देवे, खुदा अपनी मोहब्बत देवे, अपना प्यार देवे, उसके अंदर मजा जो इंसान को मिलता है वो अजीब मजेदार वो जिंदगी हुआ करती। इसलिए इंसान को अल्लाह का वली, वली किसको कहते हैं, दोस्त, खुदा का दोस्त, खुदा का नजदीक, खुदा का बहुत करीब, उसको अल्लाह का वली कहते हैं। और याद रखना, वली होने के लिए चमत्कार और करामत कोई जरूरी नहीं है कि जो चमत्कार दिखावे, करामत दिखावे, वही अल्लाह का वली बने, ऐसी बात गलत है। बहुत से बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे, जिंदगी में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन अल्लाह के वली थे वो हकीकत में। एक आदमी, आप उनके साथ रहो, 6 महीने ट्रायल बेस पे रहो, चलो 6 महीने बहुत बड़ी बात, 1 महीना ट्रायल बेस पे रहो, 1 महीना बहुत बड़ी बात, 3 दिन 72 घंटे ट्रायल बेस पे रहो, रात में, दिन में, साथ में, फिर 72 घंटे पूरे हो गए, 73 घंटे में 73 कलाक आएगा, हिसाब करने बैठो कि मैंने इनके साथ 72 कलाक लगाए, एक काम भी मैंने ऐसा देखा कि जो गुनाह और हराम का है का नहीं, एक काम भी गुनाह का नहीं, हराम का नहीं, झूठ नहीं, बनावट नहीं, गलत नजर नहीं, गलत सुनना नहीं, एक भी गुनाह नहीं। अच्छा, 72 कलाक के अंदर उन्होंने कोई इबादत छोड़ी ऐसा देखा नहीं, हर नमाज वक्त पर, तहज्जुद वक्त पर, दुआ अपने वक्त पर, तस्बीह अपने वक्त पर, हर काम, नमाज इबादत अपने वक्त पर, इससे बढ़िया चमत्कार और क्या चाहिए कि आदमी टाइम टू टाइम अल्लाह की इबादत करे, टाइम टू टाइम गुनाह से बचे, इससे बड़ा कोई चमत्कार दुनिया में नहीं हो सकता। सबसे बड़ा चमत्कार है शरीयत पर कोई अमल करके बता रहे, बाकी ये चमत्कार है ना,
ये तो बेईमान भी दिखाते हैं, जिनके पास ईमान नहीं है ना वो भी दिखाते हैं चमत्कार। तो हमारे सिलसिले के एक बहुत बड़े कुतुब अब्दाल है, कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हमारे सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों में से हैं। किसी ने बशारत दी कि कयामत के दिन हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी जमात के साथ जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उस जमात में मुझे आपको भी शामिल फरमाए। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि गंगो शरीफ में साधु आए, ऐसे साधु जो हिमालया के ऊपर बैठ के तप करते थे, तपस्या करते थे, किसी से बात भी नहीं करे, हिमालया पहाड़ियों में तपस्या करे, ऐसे बहुत साधु होते हैं पहाड़ों में बैठकर, गुफाओं में बैठ के, जंगलों में बैठकर तपस्या करते हैं, तप करते हैं। तो पहाड़ हिमालया पर से है, और वो उस जमाने के अंदर आज की तरह इतनी बस गाड़ी ट्रेन कुछ नहीं था, वो लंबा सफर करके घूमते 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 गंगो शरीफ कहां है, गंगो शरीफ कहां है, गंगो पहुंचे। और हजरत कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात की, पूछा कैसे आ गई यहां मेरे पास। तो साधु ने क्या कहा, मैं हिमालय के पहाड़ पर बैठकर तपस्या कर रहा था, तो मैंने देखा कि भारत में कोई एक गांव ऐसा है कि जहां जमीन से लेकर आसमान तक पूरे के पूरा नूर 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 है। तो मैं हैरान रह गया कि ये कौन सा गांव है कि जहां जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। तो कहा मैं ढूंढने निकला और वो नूर देखते देखते हिमालय से लेकर गंगो तक आया, और वो कौन सी जगह थी जहां हजरत बैठ करके अल्लाह का जिक्र करते थे। कहा वो जगह जमीन से आसमान तक मुझे नूर नूर नजर आए। तो ये चमत्कार तो साधुओं को भी होते हैं, इसीलिए याद रख लो ये कायदा है ना, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, ये गलत है। सबसे बड़ा चमत्कार है शरीयत पर कोई अमल करके दिखला देवे, अल्लाह के कानून पर अमल करे, दीन पर अमल करे, शरीयत पर अमल करे, गुनाह से बचे, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता, बाकी सब एक्स्ट्रा है, चमत्कार तो एक्स्ट्रा है, सब साइट की चीजें। ये जो फजाइल आमाल पढ़ के सुनाते हैं, ये हमारे दादा पीर होते हैं हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत की एक किताब है मशाइख चिश्त, यानी चिश्ती मशाइखिन, उनकी सवाने पर हजरत की किताब है, अजीब अजीब करामतें उसमें हजरत ने लिखी है हमारे सारे बुजुर्गों की, अजीब अजीब करामतें, अजीब अजीब चमत्कार लिखे। लेकिन चमत्कार देख करके नमस्कार भी नहीं, और चमत्कार देखकर बैत भी नहीं होना। किसी से बैत होना तो उसके लिए कायदा कानून ये है कि उनकी जिंदगी दीन पर है या नहीं है वो देख लो। अगर दीन पर है, शरीयत पर है, कुरान पर है, नबी की सुन्नत पर है, ये सबसे बड़ी चीज है कि अब उनके हाथ पे आदमी बैत हो जाए। इससे बड़ा और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता है। अल्लाह हम सबको अपना वली बना दे रहे हैं, और अल्लाह ताला अपने वलियों से हमको सही ताल्लुक अता फरमाए, और अल्लाह ताला कयामत के दिन भी अपने वलियों के साथ हमारा हश्र नश्र हिसाब किताब फरमाए। इंशाल्लाह इस हफ्ते बुधवार के दिन मस्जिद अली में इंशाल्लाह बुखारी शरीफ की मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद صلاة تنجينا بها من جميل الأحوال والآفات
وَتَقْضِيلَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ عافیت سے آپ ہمیں اپنا ولی بنا دیجئے اولیاء اللہ کی جماعت میں دنیا اور آخرت میں شامل فرما دیجئے اپنا قرب خصوصی محبت خصوصی ولایت خصوصی سے اپنے فضل سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ ہر حرام سے ہر برائی سے ہر گناہ سے ہمیں نفرت عطا فرما نیکیوں کی رغبت اور محبت عطا فرما جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما اے اللہ جن پر جادو کی اور نظر بد کی اور جنات کی شرارت کی تکلیف اے اللہ ان تمام کو ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما اے اللہ ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرما بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما اجڑوں ہوں کو آباد فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرما ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرماؤ ظالموں کو ہاتھوں کو روک لیجئے ظلم کے پنجوں کو توڑ دیجئے امن و امان عدل و انصاف کا بول بالا فرمائیے اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما عدل و انصاف قائم فرماؤ مظلوموں کی کمزوروں کی نصرت اور مدد فرماؤ اے اللہ اس ملک میں جتنے مذہب اور قوم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری عمر میں برکت عطا فرما تقویٰ میں برکت عطا فرما جو حج میں جانا چاہتے ہیں اے اللہ ان سب کے لیے خزانے غیب سے اسباب عطا فرما حج مبرور زیارت مقبول عطا فرماؤ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین